तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं और ये जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपके सामने 79 वाला है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 19, 20 और 21, 22 और 23, 24 और 25। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 और 21। आर्टिकल 20 और 21 को दरअसल इमरजेंसी के दौरान भी, आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता, इस बात को ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 20 और 21 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात आती है आर्टिकल 21 में, इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो जाहिर सी बात है इसका आपको छूट दिया जाएगा इमरजेंसी के दौरान, ठीक है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 20 और 21 जो है वो पूरी तरह से सस्पेंड नहीं किया जा सकता उस समय आपातकाल के दौरान, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, ये रहा। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान में संशोधन कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय, पार्लियामेंट, संसद, भारतीय प्रतिभूतियों विनिमय बोर्ड यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी प्रधानमंत्री कार्यालय। तो दोस्तों संविधान में संशोधन किया जाता है, आर्टिकल एक है, मैं बताऊं आपको, एक आर्टिकल है, ठीक है, 368, 368 आर्टिकल है जिसके अंतर्गत संविधान में संशोधन किए जाते हैं। 368 आर्टिकल के अंतर्गत संविधान में संशोधन किए जाते हैं और ये बात साफ साफ कही गई है कि भारत के संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को होगा यानी पार्लियामेंट को होगा, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपके सामने दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। देयर आर टोटल पार्लियामेंट्री सीट्स इन उत्तराखंड। तो देखिए अगर मैं पार्लियामेंट्री सीट की बात करूं, पार्लियामेंट्री सीट की मैं बात करूं तो पार्लियामेंट्री सीट सबसे ज्यादा किस स्टेट में है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा की सबसे ज्यादा सीट किसी राज्य में है तो वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 31 सीट जो है वो राज्यसभा की है। और मैं अगर बात करूँ लोकसभा की, तो लोकसभा की भी सबसे हाईएस्ट सीट अगर कहीं पे है, सबसे ज्यादा कहीं सीट है तो वो भी है उत्तर प्रदेश में। कितनी है? 80 लोकसभा सीट है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, 3 से 4 स्टेट की मैं बातें कर लेता हूँ। सबसे पहले है उत्तर प्रदेश, 80 सीट लोकसभा में। उसके बाद आपका है महाराष्ट्र आ जाता है, कितना सीट? 48 सीट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कोलकाता, कितना सीट है? 42। और उसके बाद आ जाता है आपका बिहार, जहाँ पे कितनी सीट है? तो दोस्तों बिहार में है आपका 40 सीट, ठीक है। ये सारे लोकसभा सीट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। कभी कभी सीक्वेंस से लगाने के लिए आ जाता है कि बताइए इनमें से सबसे अधिक से कम की ओर लगाइए लोकसभा के सीटों के अनुसार, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा, इतने मैंने आपको बता दिए। सबसे ज्यादा लोकसभा और राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं और इसमें आपसे पूछा गया है कि उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो याद रखिएगा लोकसभा में 5 सीटें हैं, किसकी? उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंट एंड इन्वेस्टिगेशन इज लिस्टेड इन द लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी केंद्रीय खुफिया और जांच ब्यूरो भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में दी गई है, ठीक है। वो किसमें सूचीबद्ध है?
तो यहाँ पर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी है कि टोटल 3 लिस्ट होते हैं। एक होता है आपका यूनियन लिस्ट, ठीक है, और दूसरा होता है आपका स्टेट लिस्ट, ठीक है, तीसरा होता है आपका कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। दोस्तों देखिए, संविधान में 3 प्रकार के लिस्ट पाए जाते हैं। कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनके ऊपर कानून सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है, तो उसे हम संघ सूची के अंदर रखते हैं। जैसे जैसे मैं बात करूं डिफेंस यानी रक्षा, ठीक है ना, रक्षा के अगर मामले की बात हो, डिफेंस के मामले की बात हो, या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI से रिलेटेड कोई मुद्दा हो, या बॉर्डर से रिलेटेड कोई इशू हो, ठीक है, विदेशी फॉरेन अफेयर से कोई रिलेटेड इशू हो, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची के अंदर ये सब आती हैं, ठीक है। और स्टेट लिस्ट की बात करें, जैसे पुलिस हो गई, तो पुलिस जो है, पुलिस के विषय पर सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है। कनकरेंट लिस्ट ऐसा विषय होता है जिनके ऊपर दोनों संघ और राज्य सरकारें दोनों भी इनका बना सकती है कानून। उनके ऊपर ऐसे विषय होते हैं कनकरेंट यानी समवर्ती सूची में। यहाँ पर बात से ही पता चल रहा है कि केंद्रीय खुफिया और जांच ब्यूरो यानी आप कह सकते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन, अगर मैं बात करूं तो ये संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। इस बात को याद रखिएगा, बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग इज लिस्टेड इन द लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में दी गई है। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आपके ऑप्शंस हैं समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची या वैश्विक सूची, कंकरेंट, यूनियन स्टेट या ग्लोबल। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करूं जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, देखिए फैमिली प्लानिंग की जब आ जाती है ना इसमें बात, तब ये दरअसल कनकरेंट लिस्ट में आ जाता है। किस में आ जाता है? कनकरेंट लिस्ट में आ जाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, जब कभी भी यहाँ पर सिर्फ पॉपुलेशन दिया होता तब तो बात अलग होती, पॉपुलेशन दिया होता तब तो बात अलग हो जाती, लेकिन यहाँ पर दोनों दिया है। क्या दिया है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन यानी पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग दोनों दिया है। तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, इसमें जो है देखना पड़ेगा। एक सेकेंड वेट करिए। दोनों दिया हुआ है तो मुझे एक बार कंफर्म करना होगा इसको, इस क्वेश्चन का 71 क्वेश्चन है ना। ठीक है, बिल्कुल समवर्ती सूची है, बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए। चलिए, फॉरेस्ट इज लिस्टेड इन द लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वन भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में दी गई है, सूची में सूचीबद्ध है, यानी फॉरेस्ट जो है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में किस लिस्ट में है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, फॉरेस्ट की मैं बात करूं तो फॉरेस्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में भी आता है और स्टेट गवर्नमेंट के भी अंडर में आता है, तो इसलिए ये हो जाता है कंकरेंट लिस्ट में यानी समवर्ती सूची में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है। टैक्सेस ऑन लैंड्स एंड बिल्डिंग इज लिस्टेड इन द लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भूमि और भवनों पर कर भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में दी गई है, इसको किस में सूचीबद्ध किया गया है? तो दोस्तों भूमि और भवनों पर जो कर है वो दरअसल स्टेट सब्जेक्ट है यानी राज्य सूची का विषय है, इसलिए बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये कोटेशन से क्वेश्चन है आपका, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वोटेशन है जो कि कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली कोटेशन से क्वेश्चन पूछ देता है। तो मैंने आपके लिए कोटेशन भी एक ले मैंने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन भी लिया है क्वेश्चन पेपर से। क्वेश्चन पूछा गया है, हु वॉज आइडेंटिफाइड ए स्टेट इज ए कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज, यानी किसने राज्य की पहचान समुदायों के समुदाय के रूप में की है। तो दोस्तों ये कोटेशन कहने वाले थे अरस्तु, कौन थे? अरस्तु यानी एरिस्टोटल जो थे वो कहने वाले थे इस सेंटेंस यानी इस स्टेटमेंट को, ठीक है, याद रखिएगा। समुदाय को
समुदाय के रूप में जो है बात की गई थी राज्य की, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन भैया बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एडोप्टेड फ्रॉम द मौर्या डायनेस्टी इन द एम्बलम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार के प्रतीक चिन्ह में निम्नलिखित में से किसे मौर्य वंश से अपनाया गया था। तो दोस्तों अगर मौर्य वंश की बात करें तो अशोका जो राजा हुए थे, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, ये राजा मौर्य वंश के बहुत ही बड़े प्रतीक माने जाते हैं। और मौर्य वंश की स्थापना जब चंद्रगुप्त मौर्य ने किया तो अशोका जब आए तो उन्होंने बहुत सारे नेशनल एम्बलम में भी अशोक चक्र, जैसा कि आप जानते हैं 24 तीलियां होती हैं, उसमें यूज हुआ। लेकिन इसमें ऑप्शन आपके दिए गए हैं घोड़ा, ठीक है, सत्यमेव जयते, फोर लायंस, या रथ का पहिया, चैरियट व्हील। तो दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं तो फोर लायंस यानी चार शेरों की जो बात की गई है वो दरअसल मौर्य वंश से ही लिया गया था। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चार शेरों की जो बात की गई है वो दरअसल कहाँ से लिया गया है, मौर्य वंश से लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है, द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वॉज एडॉप्टेड बाई द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इन, राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को भारत की संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था। तो मैं बात करूं भारत के संविधान सभा द्वारा अगर राष्ट्रीय ध्वज की, तो ध्यान रखिएगा समय था 22 जुलाई 1947 का, ठीक है, डिजाइन बनाकर तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। और 1947 में दरअसल भारत के संविधान सभा में जब राष्ट्रीय ध्वज को पेश किया गया तो उसको जुलाई 1947 में स्वीकार कर लिया गया, यानी एक्सेप्टेंस कर लिया गया। तो इसलिए जुलाई 1947 करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर एग्जैक्ट डेट पूछे तो 22 जुलाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हु इज राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई साहब, जितना भी कहूँ कम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, हु इज राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव। तो दोस्तों अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो लॉर्ड मेयो वो पहला गवर्नर जनरल था जिसके टाइम में फर्स्ट टाइम पॉपुलेशन इंडिया में हुई थी, पॉपुलेशन का सेंसस हुआ था, पॉपुलेशन का क्या हुआ था, सेंसस हुआ था, यानी जनगणना हुई थी, यानी फर्स्ट सेंसस यानी जनगणना जो हुई थी सबसे पहली बार वो किसके शासन काल में हुई थी, वो हुई थी लॉर्ड मेयो के शासन काल में, ठीक है, याद रखिएगा कब हुई थी, 1872 में, ठीक। और अगर मैं बात करूँ लॉर्ड कर्जन की तो लॉर्ड कर्जन ने के समय में ही 1905 में बंगाल विभाजन जो है किया गया था, क्या किया गया था, बंगाल विभाजन किया गया था, ठीक है, और इसी को जनक माना जाता है डिवाइड एंड रूल का, डिवाइड एंड रूल का यानी बांटो और राज करो की नीति का जो है अगर कोई संस्थापक माना जाता है, फाउंडेशन अगर करने वाला था तो वो लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। लेकिन अगर बात करें फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तो ध्यान रखिएगा स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, किसको कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने ध्यान रखिएगा एक बिल लाया था जिसको कहा जाता है इल्बर्ट बिल, क्या कहा जाता है, इल्बर्ट बिल। ये इसने सिफारिश की थी कि भारतीय लोगों को भी जज के रूप में भारतीय लोगों को भी स्थापित किया जाए, यानी उनको भी जज की नियुक्ति कराई जाए। लेकिन दरअसल अंग्रेज सरकार इनकी बात मानती नहीं है क्योंकि ये चाहते हैं कि अंग्रेज ही सिर्फ जज बन के रहें और भारतीयों का फैसला सिर्फ अंग्रेज ही करे, जबकि लॉर्ड रिपन का कहना था नहीं, कुछ ना कुछ भारतीय लोगों को भी जज बनाया जाना चाहिए ताकि उनका विश्वास हमारे अंदर बना रहे, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, व्हाट डज द रीट ऑफ मैंडेमस मीन। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत बहुत सारे रिट जो है जारी किए जाते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे रिट जो है जारी किए जाते हैं, और उसमें से एक रिट है आपका मैंडेमस। मैंडेमस का मीन्स क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों मैंडेमस का मतलब होता है हम आज्ञा देते हैं, क्या होता है, हम आज्ञा देते हैं, ठीक है, वी कमांड।
क्या वी कमांड होता है, इसलिए ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। आपसे पूछा गया है, हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों, भारत ने सबसे पहली बार जो चुनाव हुआ 1952 में, 1951 52 कह देते हैं इसको, ठीक है, उस समय भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे वो कौन थे? तो दोस्तों उस वक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनका नाम था ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन जो है वो पहले भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ठीक है, याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस नोटा इन इलेक्शंस, चुनाव में नोटा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो दोस्तों अगर नोटा की मैं बात करूं, नोटा का फुल फॉर्म होता है नॉन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव, ठीक है, यानी ऊपर में से कोई नहीं, अगर कोई भी पसंद नहीं आ रहा है वोट देने वाले को, ठीक है, तो इसका मतलब वो नोटा दबा देता है और कह देता है मुझे कोई पसंद नहीं है, ऊपर दिए हुए कोई भी कैंडिडेट में मुझे पसंद नहीं है, तो वो नोटा दबा देता है। और मैं अगर बात करूं दोस्तों, नोटा से मुझे एक बात याद आया कि ईवीएम की सबसे पहली बार जो दरअसल यूज हुआ था वो केरला में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरला में हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एग्जाम में, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो नोटा का सबसे पहले किसी स्टेट ने यूज किया था, इंट्रोड्यूस किया था, तो दोस्तों उस स्टेट का नाम था जिसकी राजधानी क्या है, रायपुर है। और इस तरह से आप समझ गए होंगे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ ने सबसे पहले नोटा को चुनाव में लागू करने का फैसला किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट, यानी एक भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राज्यपाल कौन थे? तो अगर मैं आपके ऑप्शन से बात करूं, एनडी तिवारी, पद्माजी नायडू, सरोजनी नायडू, लक्ष्मीकांत झा, ठीक है, लक्ष्मीकांत झा। चलिए तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, पद्माजा नायडू, यानी पद्माजा नायडू जो थे वो दोस्तों सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर थे, याद रखिएगा, इसलिए बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं अगर लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर की बात करूं, तो लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम कौन थे, ठीक है, वेस्ट बंगाल के थे, सीपीआई पार्टी से, ठीक है, ज्योति बसु। कौन थे? वेस्ट बंगाल से, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से थे, जिनका नाम था ज्योति बसु। 25 साल तक लगातार रहे थे, इस बात को ध्यान से समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन है। द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिरीव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, अवशिष्ट शक्तियों का यानी रेसिडुअल पावर्स का, जो कि केंद्र सरकार के पास होती है, संघ सरकार के पास किसी भी मामले में, अगर राज्य सरकार और संघ सरकार में तनातनी हो गई किसी मुद्दे पर, तो वो शक्ति अल्टीमेटली संघ सरकार यानी राज्य सरकार से ज्यादा शक्ति किसके पास होगी? संघ सरकार के पास होगी। ये शक्ति लिया गया है कनाडा से, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कनाडा से ये संविधान में लिया गया है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। नेम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो दोस्तों पहली प्रधानमंत्री जो भारत की अगर बात करें, तो वो थी इंदिरा गांधी। वो थी कौन? इंदिरा, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, ठीक है। लेकिन अगर पूरे दुनिया की, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो दोस्तों पूरे वर्ल्ड की अगर पहली प्रधानमंत्री की बात करें जो कि महिला थी, वो श्रीलंका की थी, उनका नाम था सिरिमाओ बंडार नायक, यानी सिरिमाओ बंडार नायक जो है वो पहली महिला प्रधानमंत्री थी पूरी दुनिया में, याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ जाता है, विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि सबके लिए कानून समान होगा। अब कहेंगे सर वैसे भी तो सबके लिए कानून समान है, नहीं, देखिए कुछ मामले में कानून अलग अलग भी हैं। जैसे मैं बात करूं रिलीजन की, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसमें रिलीजन में अलग अलग बात की गई है। जैसे शादी विवाह में
शादी विवाह में आप देखेंगे तो अलग अलग रिचुअल्स, अलग अलग तरीके से शादी होता है कि नहीं। और उसके बाद आप एक बात और मैं बताऊं कि अगर इसी तरह उत्तराधिकारी अगर नियुक्त करना रहता है, यानी किसी भी प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी नियुक्त करना रहता है किसी अपने लड़के को या किसी को भी अपने घर में, तो उसका धर्म के आधार पे अलग अलग कानून होता है, अलग अलग नियम होता है, ठीक है। तो इन सब को एक करके, और इसी तरह उत्तराधिकारी क्या, इसी तरह एडॉप्टेशन में भी यानी गोद लेने में भी सभी धर्मों में अलग अलग जो है सिस्टम होता है। तो सारे सिस्टम को बना करके जब एक कर दिया जाए, कोई भी अलग अलग धर्म के हिसाब से अलग अलग सिस्टम ना हो, सारा कानून एक हो जाए, सिंगल हो जाए, तो उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है समान, नहीं होता जैसे यूनिफॉर्म आप पहन के स्कूल जाते हैं तो क्यों जाते हैं यूनिफॉर्म पहन के, ताकि यूनिफॉर्म में सभी लोग बराबर लगे, है कि नहीं। कोई को ये ना फील हो कि ये बहुत अमीर है, ये बहुत गरीब है, आखिर यूनिफॉर्म पहन के जाने का मतलब यही होता है, ठीक है, समझ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा मैं बात करूं अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में बस एक ही स्टेट में है, याद रखिएगा, उस स्टेट का नाम है गोवा, उस स्टेट का नाम है गोवा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी लागू है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ पे है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ही स्टेट में है, वो है कहाँ पे, गोवा में, याद रखिएगा। आर्टिकल 44 में डीपीएसपी में इसकी बात की गई है, अनुच्छेद 44 डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी स्टेट को कहा गया है कि वह हर स्टेट में अपना एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर ये वर्डित है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने, बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है। नेम द फर्स्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट विच ऑफ द प्रपोजल ऑफ इम्पीचमेंट वॉज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। दोस्तों देखिए, इम्पीचमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाया जाता है अपने पद से, ठीक है, अपने पोस्ट से हटाने के लिए उनको, उनके ऊपर एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस चलाया जाता है जिसको इम्पीचमेंट कहा जाता है, महाभियोग कहा जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले कौन से थे जिनके ऊपर चलाया गया था इम्पीचमेंट का प्रोसेस। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों जस्टिस रामा स्वामी, यानी न्यायमूर्ति रामा स्वामी पे सबसे पहले इम्पीचमेंट का प्रोसेस चलाया गया था, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चीफ जस्टिस पहले इंडिया कौन थे, हीरा लाल जे कानिया, हीरा लाल जे कानिया, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समितियों के संबंध में भारत के संविधान में किस भाग में बात किया गया है या वर्णन किया गया है। तो दोस्तों मैं अगर बात करूं तो भारतीय संविधान में मूल रूप से यानी मुख्य रूप से सहकारी समितियों की बात तो नहीं की गई थी, इसको नहीं जोड़ा गया था, लेकिन मैं बात करूं एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 97, ठीक है, 97वां संविधान संशोधन होता है, जिसके तहत मैं बताऊं अगर, तो सहकारी समितियों को मिला लिया जाता है भारत के संविधान में भाग 9 के बी में, ठीक है, भाग 9 के बी में, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 9 के बी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्तों, तो दोस्तों ये आपका था लास्ट क्वेश्चन, उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को जरूर से ज्वाइन करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।